चलिए बढ़ते आगे। राजधानी जयपुर के 6 सेंटर समेत प्रदेश में 19 सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। केंद्र सरकार के निर्देश पर यह ड्राई रन हुआ है। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस ड्राई रन में एक सेंटर पर 25 हेल्थ वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ग्राउंड जीरो से कोरोना वैक्सीन ड्राई रन को लेकर रिपोर्ट और SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी से खास बातचीत की संवाददाता विकास शर्मा ने। करीब 10 माह के इंतज़ार के बाद देश में जो जरूरत थी उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लेकर ड्राई रन शुरू हो गया है और उसकी जो ड्राई रन जो है उसकी पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह ड्राई रन शुरू किया गया है। ये ड्राई रन का पहला फेज है जहाँ पर बेनिफिशरी है उसको पूरा देखा जा रहा है। एक एक बेनिफिशरी को पूरा सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही ये पूरा प्रतीक्षा कक्ष है जिसमें पूरा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति को यहाँ पे ये सारे बेनिफिशरी है जिनको कोविड की जो वैक्सीन है वो लगाई जानी है और उसको लेकर के पूरी प्रक्रिया जो है वो देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनको बताया जाता है कि जो कोविन का सॉफ्टवेयर है उसमें उनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कोविन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें किस तरह से बनाया गया है। एक बार दिखाएंगे मैडम, ये वो बेनिफिशरी का डेटा है जो कि कोविन का जो सॉफ्टवेयर उस पर डाला गया है और इससे एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी जो है वो पहले होती है और उसी आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। और रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही उनको फिर दोबारा से यहाँ से ले जा करके जो वैक्सीन कक्ष है वहाँ ले जाता है। जो वैक्सीन कक्ष है वहाँ पर भी जो वैक्सीन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। वहाँ पर किस तरह से वैक्सीन कर रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो वैक्सीन का कक्ष है इसके अंदर यहाँ पर जो वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। जो बेनिफिशरी है उनको सबको यहाँ बैठाया जा रहा है। बैठाने के बाद में उनको यहाँ पे वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेनिफिशरी जो आए हैं उनकी पूरी डिटेल ली जा रही है। डिटेल लेने के साथ ही इनका जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट उनको पहले टिक किया जाता है। बाकायदा जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उस ऐप के अंदर उनको डिटेल नोट की जाती है और उसके बाद में उनका वैक्सीन की जो है प्रक्रिया शुरू की जाती है। आप देख सकते हैं हम आपको दिखाएंगे किस तरह से वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। उसके लिए ड्राई रन शुरू किया गया है। ड्राई रन के अंदर पूरी तैयारियाँ जो है वो मापी जा रही है के लिए ये पूरी प्रक्रिया जो की जा रही है और एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। एक एक चीज़ बताई जा रही है कि क्या इसके डिमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, क्या क्या आपको दिक्कतें हो सकती है और उसके बाद में ही उसका पूरा जो है जो वैक्सीन प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है। आधे घंटे तक इनको यहाँ पे रोका जाएगा। रोकने के साथ ही यहाँ बताया जाएगा कि जो यहाँ पे उनको मॉनिटरिंग की जाएगी आधे घंटे की, उस आधे घंटे की मॉनिटरिंग में उनको ये देखा जाएगा कि उन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और उस साइड इफेक्ट के बाद में ये देखा जाएगा साथ में कि जो आधे घंटे का जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक एक मरीज पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। ये वो कक्ष है जहाँ पर सारी जो प्रक्रिया होने के बाद में बेनिफिशियरी को यहाँ पे आधे घंटे तक रोका जा रहा है। रोकने के साथ ही यहाँ की पूरी व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुधीर भंडारी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था की गई है इसको किस तरह से देखते हैं। पूरा कोरोना काल जो चला 10 महीने चले पूरे सरकार के साथ जुड़े रहे, आज एक टाइम आया है जिसकी हमको इंतजार था, कैसे देखते हैं सर और यहाँ की जो तैयारियाँ उसको किस तरह देखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं अपनी मेडिकल कॉलेज और अटैच हॉस्पिटल की टीम को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जो मोस्ट साइंटिफिक प्रोटोकॉल से उसको हम लोग फॉलो करके कोविड वैक्सीनेशन यूनिट हमने JKLON से शुरुआत किया है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं इस वैक्सीनेशन यूनिट का। फर्स्ट इज़ द अराइवल ऑफ द पेशेंट। जैसे ही पेशेंट आएगा उसको कौंसिल किया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कंफर्म किया जाएगा। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पेशेंट विल बी एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। जब पेशेंट को वैक्सीनेशन के लिए तैयार किया जाएगा तो उसको कुछ ओरिएंटेशन भी दिया जाएगा कि आफ्टर वैक्सीनेशन ही हैज़ टू फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल्स एंड पेशेंट वंस वैक्सीनेटेड विल बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर हाफ एन आवर। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी आर सो वेल प्रिपेयर्ड दैट किसी भी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट हो, एलर्जिक रिएक्शन हो, किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट को सिम्टम हो उसको वेल अटेंडेड किया जाएगा। ऑल स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट फिजिशियंस पीडियाट्रिशियंस एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट विद ऑल द सपोर्टिव इक्विपमेंट हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यूनिट में है। सर, हमारे साथ जो बेनिफिशियरी है वो भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने वैक्सीन जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा लिया है, अब जो पूरी प्रक्रिया है आपने मैडम पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने हो यहाँ पर और अब आप यहाँ पे वेटिंग रूम में आधे घंटे आपको होल्ड करना है, कैसा फील कर रहे हैं? अभी तक आप पूरे कोविड में जुटे हुए थे, काम में जुटे हुए थे, आज आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में आपके बारे में सरकार सोचती थी, पहली बार आपको लग रहा है? ठीक है,
जी सर, हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से हम कोविड में काम कर रहे थे तो थोड़ा मतलब खुद को इन्फेक्टेड होने का, हमारे साथ हमारी फैमिली के इन्फेक्ट होने का डर जो रहता था वो अब नहीं रहेगा वैक्सीन लगने के बाद में, इसलिए हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जो SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम तैयार हैं, पूरा सिस्टम हमारा किस तरह से तैयार है, और साथ में ड्राई रन ने एक ये मैसेज दे दिया है कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत की तैयारियां पुख्ता है और जल्दी वैक्सीनेशन जो काम होगा वो शुरू होगा और इससे लोगों को जो फायदे की उम्मीद है वो जल्द मिलेगी। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।